नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आज के इस लेक्चर में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम योग के अंतराय, उनके विघ्नों और उनको दूर करने के उपायों पे चर्चा किए थे, जिसको महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में वर्णन किया है। आज हम उसके आगे 38वां श्लोक महर्षि पतंजलि के पतंजलि योग सूत्र में हम देखने को हमें मिलता है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, अर्थात निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाला चित्त स्थिर हो जाता है। तो इसके पहले जो अभी हमारा लेक्चर था उसमें भी चित्त की स्थिरता पर ही विचार विमर्श किया गया था, जिसको महर्षि पतंजलि ने अपने समाधि पाद प्रथम पाद में जिसका वर्णन किया है। इस सूत्र में भी महर्षि कहते हैं कि निद्रा के ज्ञान का अवलंबन कर रहा अगर चित्त तो भी स्थिरता को प्राप्त करता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि निद्रा में कोई स्वप्न आता है तो उसको भी हमको मन एकदम स्थिर रहता है, लेकिन जैसे नींद टूटती है तो अचानक लगता है कि कोई चीज़ हम भूल गए। तो एक तरह से वो पूर्ण एकाग्रता की अवस्था उस निद्रा में भी हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर महर्षि ने उसी का वर्णन किया है। एक संत थे, पूज्य गुरुदेव महाराज का कहना था, योगी कभी स्वप्न नहीं देखता, वह जो कुछ देखता है हो नहीं देखता है, भविष्य देखता है। पूज्य अनुसुईया के, यहाँ पे जो संत जिनका जिक्र है ये अनुसुईया के परमहंस महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि कभी योगी जो है, योग के जो साधक हैं, जो योग में थोड़ा बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो कभी स्वप्न नहीं देखते। वो जो देखते हैं वो हो नहीं देखते हैं या भविष्य देखते हैं। वह स्वप्न में भी साधना की पकड़, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का विकास कैसा है इसे देखता। जैसा कि अभी शुरुआती में हमने देखा था कि ये जो प्रमाण है, प्रमाण विपर विकल्प निद्रा और स्मृति, ये चित्त की अवस्थाएं थी, ये क्लिष्ट या अक्लिष्ट रूपों में विभक्त था। तो यहाँ पे उन्हीं की बात महर्षि कह रहे हैं कि स्वप्न में भी वह अपनी साधना में लगा रहता है और हमारी चित्त की वृत्ति क्लिष्ट अवस्था में है या अक्लिष्ट अवस्था में, उसको वह साधक देखता है। निद्रा काल में जो दृश्य मिलता है भगवान से प्रसारित होता है, सद्गुरु से मिलता है। अगर योग का साधक है तो जो भी चीज़ें घटित हो रही, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वो हो नहीं देखता है या भविष्य देखता है। तो यहाँ पे वही वर्णन किया कि निद्रा काल में जो दृश्य मिल रहा है वो भगवान से प्रसारित होता है, सद्गुरु से मिलता है, उसका अनुसरण करने वाला चित्त स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि ने योग का महत्व बतलाते हुए कहा कि योग में लगे हुआ साधक कभी स्वप्न नहीं देखता, वो जो देख रहा है हो नहीं देख रहा और भविष्य देख रहा है। आगे महर्षि कहते हैं, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जैसा अभिमत है ईश्वर शरणागति, ओम के जप, अंतरायों का अंत, अंतराय यानी कि जो विघ्न है जिसका अभी हमने इसके पहले जिक्र किया था, चित्त वृत्ति का शांत प्रवाहित होना, समाधि की जागृति, चित्त का एकाग्र होना, ऐसा कहीं से कुछ मिले उसे ध्यान में लेने से चित्त वृत्ति स्वच्छ हो जाती है। पूरी पूरी बातें हमारी चित्त की निर्मलता पे ले जाती हैं। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, ओम का जप कर रहे हैं, साधना में हैं, योग समाधि की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमारा मन क्या होगा, शांत हो जाएगा और चित्त निर्मलता की तरफ या स्वच्छ हो जाने की तरफ बढ़ जाता है। वातावरण को साधना के अनुरूप ढाल लेना, कैसा भी वातावरण हो, हम साधक या योग के साधक उसको अपने अनुकूल ढाल ले जाते हैं, आशय को बदल कर साधना के अनुकूल ढाल लेना यथा भीमत ध्यान है। ध्यानपूर्वक किसी भी परिस्थिति को हम अपने अनुकूल ले आ सकते हैं, ऐसा महर्षि के इस सूत्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, फिर महर्षि ने 40वें सूत्र में कहा है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः, परमाणु
परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। इस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं, इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन परमाणु से लेकर परम महत्व के विषय पर एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जब हम ध्यान करते करते अपने मन को एकाग्र करते करते या एक तत्व का अभ्यास करते करते एक चित्त की उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, धीरे धीरे ये चित्त कंसंट्रेशन या एकाग्रता की उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर परम महत्व परमाणु परम महत्वान तो अस्य वशीकार, ये मन क्या हो गया, परमाणु से लेकर परम महत्व तक, एक छोटे से अणु से लेके बड़े बड़े या बड़े बड़े वस्तुओं तक को ये अपने पकड़ में ला लेता है। ये मन की वो अवस्था का वर्णन यहाँ पे महर्षि कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं फिर से देखते हैं, इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन परमाणु से लेके परम महत्व के विषय पर एकाग्रता का अधिकारी या एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उस समय अत्यंत सूक्ष्म, जैसा अभी हमने कहा, उस समय अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़ी बड़ी किसी वस्तु में एक बार सूरत स्थिर हो गई, चित्त वहाँ स्थिर हो जाएगा या रहेगा। आखिर ये मन का ही कंसंट्रेशन है कि हम एक छोटे से ध्यान के बिंदु पर ध्यान करते करते उसको अपने में समाहित कर ले जाते हैं, हमारा मन वहीं पे स्थिर हो जाता है। यह अभ्यास की चीज़ है, महर्षि यहाँ पे वही कह रहे हैं कि एकाग्रता कि उस परम अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं जहाँ आप छोटे से छोटे परमाणु या अणु से लेके बड़े बड़े वस्तुओं पर भी अपना ध्यान एकाग्र कर ले जाते हैं और चित्त उस अवस्था में आ जाता है कि चित्त वहाँ पे स्थिर हो जाता है, सूरत आपकी वहीं पे टिकने लगती है, आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि ये मन जहाँ चाहे वहाँ स्थिर कर सकते हैं, चाहे वह परमाणु हो या बड़े बड़े वस्तु हो या कोई भी वस्तु है, लौकिक या भौतिक जो भी चीज़ें हैं आप उसको स्थिर कर सकते हैं। यहाँ योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है, ये विशेषता है, ये जो चित्त है ये आपकी अभ्यास के द्वारा आपने इस चित्त को जीत लिया है, उस योगी के जीते हुए चित्त की यह विशेषता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली प्रकार स्थिति की योग्यता को प्राप्त कर लेता है, यह योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसमें वह सूक्ष्मता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मता सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महानतम पदार्थ जहाँ तक चाहे तत्काल चित्त को स्थिर कर सकता है। वही बात है कि आप चित्त को स्थिर करने की योग्यता प्राप्त कर ले जाते हैं। फिर आगे गीता का वर्णन यहाँ पे हमें देखने को मिला, गीता में भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ जिस प्रकार सीधे ऊपर की ओर जाती है, योगी के भली प्रकार ठहरे हुए चित्त की यही उपमा है। यहाँ योगी के या योग साधक जब अपने चित्त की परम एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, मन उसका एकदम स्थिर हो जाता है, उसका वर्णन करते हुए गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर अगर कोई दीपक आप जलाते हैं तो उसकी लौ सीधे ऊपर की जाती है, ठीक उसी प्रकार वो कभी हिलती डुलती नहीं है, सीधे ऊपर की तरफ लौ जाती, उसी प्रकार जीते हुए चित्त वाला जो योगी है उसका मन एकाग्र और स्थिर हो जाता है, ऊपर की ओर अर्थात ऊपर की ओर उठने वाला अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं, फिर महर्षि ने 41वें सूत्र में कहा है क्षीण वृत्ते भिजातस्येव मणे ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु ततस्थ जनता समापत्ति, ततस्थ तज्जनता समापत्ति, अर्थात जिसकी क्लिष्ट अक्लिष्ट समस्त वृत्तियां क्षीण हो गई हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अभी जैसा हमने बताया चित्त की दो अवस्थाएं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, समस्त वृत्तियां जिसकी क्षीण हो चुकी हैं उसका चित्त ग्रहिता अर्थात साधक पुरुष, ग्रहिता अर्थात साधक पुरुष जो साधक में साधना में लगा, ग्रहण अर्थात अंतःकरण की दृष्टि
यानी कि सूरत और ग्राह्य, ग्राह्य कौन है, ईश्वर एवं उसका नाम इत्यादि में उसी प्रकार तद्रूप हो जाता है जैसे उत्तम जात की विशुद्ध स्फटिक मणि, स्फटिक मणि जिस वस्तु के समक्ष होती है वैसा ही रंग धारण कर लेता है। अब यहाँ पे तीन बातें हमको देखने को मिलती हैं, तो ये क्या है, ग्रह जो साधक है, साधक क्या है, ग्रहिता है, ग्रहण करने वाला साधक यानी जो पुरुष है जो साधना में लगा है, या योगी जो है वो कौन है, ग्रहिता है। ग्रहण, ग्रहण किसको करना है, चित्त को, यानी सूरत को हमने स्थिर करना है, वो ग्रहण करना है अंतःकरण की दृष्टि। और ग्राह्य क्या है, ईश्वर है या उसका नाम है, वो ग्राह्य करना है, उसी को हमको समाहित करना। और इस स्थिति को प्राप्त होने पे क्या हो जाता है, जिस प्रकार स्फटिक, अच्छा स्फटिक क्या होता है, अपने अगल बगल के रंग को अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसी प्रकार जो जीते हुए चित्त की अवस्था वाला साधक है उसका भी मन उस अपने अगल बगल की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, या जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसके लिए वो योग साधना में लगा है उसको प्राप्त कर लेता है। यहाँ देखेंगे ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य का बोध संप्रज्ञा समाधि है। संप्रज्ञात तो और असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन हमने इसी पाद में देखा था, पहले के लेक्चर में आप उसको देख सकते हैं। तो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य का बोध संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें साधक को अपना एवं अपनी स्थिति का भान रहता है। संप्रज्ञात समाधि में क्या है, साधक को अपना और अपने स्थिति का भान बना रहता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये सब क्या है। संप्रज्ञात समाधि में इस अवस्था आने पर साधक को इसकी जानकारी रहती है, अपनी स्थिति की जानकारी रहती है। साधक समाधि के अगले चरण में प्रकाश डालते हैं। अब यहाँ पे अगले चरण में प्रकाश डालेंगे महर्षि पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि करते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, समापत्ति। अब यहाँ एक शब्द मिल रहा हमें समापत्ति, समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधियों में भी, समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधियों में भी शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि। कुल मिला के यहाँ सवितर्क समाधि क्या है, संप्रज्ञात समाधि का एक अंग है, उसका यहाँ वर्णन महर्षि ने किया इस सूत्र के माध्यम से। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्का समाधि, अर्थात समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधि, ऐसे समझिए। समापत्ति जहाँ शब्द आएगा उसको आप संप्रज्ञात समाधि मान सकते हैं। इस संप्रज्ञात समाधि में क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि का वर्णन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यानी सवितर्क समाधि क्या है, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का विकल्प प्राप्त हो रहा है, वही सवितर्क समाधि है। तो महर्षि ने यहाँ संप्रज्ञात समाधि का ही एक तरह से वर्णन किया है। सब अभी हमने देखा है कि संप्रज्ञात समाधि में क्या है, साधक को अपना भान रहता है, संप्रज्ञात समाधि में साधक को अपना भान रहता है, या यूँ कह सकते हैं कि ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य इनका भान बना रहता है, तो वो क्या है, संप्रज्ञात समाधि। और संप्रज्ञात समाधि का एक अंग क्या है, सवितर्क समापत्ति। तो सवितर्क समापत्ति में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का वर्णन हो। तो दो चीज, नई चीज़ें हमें प्राप्त हुई, ग्रहिता, ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य, यह संप्रज्ञात समाधि का एक अंग है। दूसरा सवितर्क समाधि, समापत्ति जिसको कह सकते हैं, सवितर्क समापत्ति जो संप्रज्ञात समाधि का एक अंग है, उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसके आगे देखते हैं, फिर हमने देखा कि संसार में तरह तरह के शब्द लोग सुनते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तरह तरह के शब्द लोग सुनते ही रहते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त करते रहते हैं, किंतु उसमें किसी प्रकार की समाधि लगती दिखाई नहीं पड़ती।
नहीं, शब्द भी है, अर्थ भी है, ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन समाधि उस वस्तुओं में नहीं लगती दिखाई पड़ रही। यहाँ पे वस्तुतः दृष्टा और दृश्य के संयोग से भगवान जो प्रेरणा देते हैं उसी का नाम शब्द है। तो अब यहाँ शब्द क्या है, दृष्टा और दृश्य के संयोग पर जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भगवत या सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो, यहाँ पर भगवान का अर्थ सदगुरु या गुरु, वही आपका वास्तविक शब्द है, उसी का नाम शब्द है। संत कबीर एक अच्छे साधक थे, योग के साधक थे, उनकी एक यहाँ पे दोहा भी है, शब्द मारे गिर पड़ा शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनके सर गयो काज। जब शब्द पकड़ में आया, जब शब्द, अभी हमने कहा था एक तत्व का अभ्यास, महर्षि पतंजलि ने लिखा था सूत्र, उसमें भी एक तत्व का अभ्यास का वर्णन था, वही चीज़ यहाँ पे कि जब शब्द में या नाम में रूप में किसी एक तत्व में आपने अभ्यास किया, शब्द पकड़ में आया, साधक गिर पड़ा, समर्पित, गिर पड़ा मतलब समर्पित हो गया, मैं ज्ञानी हूँ ध्यानी हूँ ऐसा अहम खो गया। शिष्य वही अच्छा है जिसके अंदर अहम ना हो, तो यहाँ पे महर्षि वही कह रहे हैं, मैं ज्ञानी हूँ मैं ध्यानी हूँ ऐसा अहम खो गया, शब्द में इतना बल है कि कोई राज्य सुख तिनके की तरह त्याग कर अलग हो गया। और जिन जिन ने शब्द पर विवेक किया, जिन जिन ने शब्द पे विवेक किया तिनके सर गयो काज, उनके कार्य की सिद्धि हो गई, या जिसको योग में कहते हैं बेड़ा पार हो गया या भव सागर के पार हो गया। तो योग वास्तव में आपको, जो हम लोग पढ़ते हैं योग, आपको उस परम से योग करा देगा जिस पे आप उसके जैसी स्थिति के वाले हो जाते हैं। तो इसके यहाँ पे इसका अर्थ वही है, बेड़ा पार हो गया। आगे देखते हैं, इससे उन्नत समाधि की अवस्था निर्वितर्क सम है। अब इससे भी उन्नत, सवितर्क से उन्नत क्या, अभी हमने सवितर्क समाधि पढ़ा जो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है, इससे भी उन्नत अवस्था क्या है, निर्वितर्क समाधि। इससे उन्नत समाधि की अवस्था निर्वितर्क है जिस पर प्रकाश डालते हैं। अब महर्षि ने निर्वितर्क समाधि पर प्रकाश डाला, सवितर्क और निर्वितर्क। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप सुनने वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप सुनने मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब इसका अर्थ समझेंगे, जब चित्त की निज स्वरूप शून्य हो जाता है, जब चित्त का निज स्वरूप क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, केवल लक्ष्य मात्र का ही आभास रह जाता है, उस समय स्मृति परिशुद्ध हो, अर्थात स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है, तब वह निर्वितर्क समाधि है। ठीक है, निर्वितर्क समाधि क्या है, जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है और केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है, उस समय यह चित्त क्या हो गया, उस समय चित्त स्मृति परिशुद्ध हो, यह स्मृति क्या होगा, परिशुद्ध हो, अर्थात स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती। इस भली प्रकार शुद्ध की जो स्थिति है, इसी को महर्षि ने निर्वितर्क समाधि कहा है। तो सवितर्क में तो ज्ञान बना हुआ था, शब्द अर्थ और ज्ञान का आभास आपको था, लेकिन निर्वितर्क में आपकी स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी, पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी, और चित्त का अपना निज स्वरूप भी शून्य हो जाएगा, चित्त का अपना स्वरूप आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो यह है आपका परिशुद्धता की जो उच्च अवस्था, इसी को निर्वितर्क समाधि कहा गया। न शब्द है, अब यहाँ देखिए लिखा भी है, न शब्द है न अर्थ है न ज्ञान है, चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया, कौन शब्द सुने कौन ज्ञान रखे, लक्ष्य का आभास मात्र है। न शब्द है न ज्ञान है, केवल क्या बचेगा, लक्ष्य का आभास मात्र है। उस समय स्मृति विशेष रूप से शुद्ध है, यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है, क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप होता है। महर्षि कहते हैं स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप होता है। अब स्मृति पटल पर कोई संस्कार अंकुरित नहीं होगा, जब आपकी स्मृति ही शून्य हो गया तो कोई अब संस्कार, उसी स्मृति पे संस्कार बनते हैं, तो वो अब स्मृति जब शून्य हो गया तो उस पर कोई संस्कार अंकुरित नहीं होगा। कैवल्यपाद के नवम सूत्र में महर्षि बताते हैं, जब हम कैवल्यपाद में पहुँचेंगे उसके नवे सूत्र में महर्षि बताते हैं कि
जाति अर्थात जन्म परिवर्तन, देश और काल के लंबे अंतराल से भी संस्कारों में परिवर्तन या विराम नहीं होता है, है ना। जन्म परिवर्तन, देश और काल के लंबे अंतराल से भी संस्कारों में परिवर्तन या विराम नहीं होता है, वे ठीक समय पर प्रकट होते, किंतु यहाँ वे संस्कार निर्मूल हो गए, फिर भी संस्कारों का बीज अभी बना हुआ है क्योंकि चित्त अभी जीवित है। अभी धीरे धीरे आप योग की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां पे आपको नए संस्कार तो नहीं बनेंगे, लेकिन अभी क्या है, चित्त अभी जीवित है, तो पुराने जो संस्कार वो शेष रह जाते हैं, नए बनना बंद हो गए। इन्हीं पुराने संस्कारों को अभी भी योग पे लगे रहने वाले साधक इन्हीं पुराने संस्कारों को काट देते हैं, जिसके बाद हमें केवल की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन अभी हम आगे देखेंगे केवल पाद में, जिसका वर्णन केवल पाद में यानी कि चौथा जो आखिरी पाद है उसमें महर्षि ने बढ़िया से अच्छे से किया है। इससे उन्नत अवस्था पर प्रकाश डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 44वें सूत्र में महर्षि कहते हैं, एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, एत या एव इसी से, अर्थात इसी से। अब इसमें हमने क्या किया, पूर्वोक्त सवितर्क हमने पढ़ा था निर्वितर्क के वर्णन से, इसी से सविचार और निर्विचार समाधि का तथा सूक्ष्म विषया साधना की सूक्ष्म अवस्था का भी वर्णन हो गया। अभी क्या है, जो हमने सवितर्क और निर्वितर्क पढ़ा यही आपका सविचार और निर्विचार है, साधना की सूक्ष्म अवस्था का या सूक्ष्म विषय का भी वर्णन इसी सूत्र के द्वारा महर्षि ने कर दिया। इसीलिए इन्होंने कहा एतया इसी से सविचार और निर्विचार का वर्णन भी यहाँ पे हमको मिल गया है, निर्विचार समाधि, ठीक ना। सवितर्क और निर्वितर्क, और यानी कि सवितर्क मतलब सविचार, निर्वितर्क मतलब निर्विचार का वर्णन इसी सूत्र के माध्यम से महर्षि ने कर दिया। अब इन समाधियों का परिणाम देखें, आखिरी है, इन समाधियों का परिणाम देखते हैं इससे क्या होने वाला है। तो महर्षि कहते हैं, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, साधना की इन अति सूक्ष्म अवस्थाओं में, साधना की इन अति सूक्ष्म अवस्थाओं में अलिंग पर्यवसानम, अलिंग पर्यवसानम अर्थात प्रकृति की अति सूक्ष्म परतों मूल प्रकृति पर्यंत न भली प्रकार वशीकार हो जाता है। अब प्रकृति भी उससे उद्वेलित नहीं कर सकती, प्रकृति अर्थात यहाँ पे ऐसे समझिए, प्रकृति अर्थात भौतिकता जो अध्यात्म से आपको दूर ले जा रही है या आपको सांसारिक बंधनों की तरफ ले जा रही है, है ना, वो यहाँ पे महर्षि ने बताया कि वो भी जो प्रकृति है उससे भी साधक अब क्योंकि इस अवस्था में पहुँच चुका है कि उसके चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसका चित्त निर्विचार की अवस्था में पहुँच चुका है, तो इन प्रकृति के द्वारा पड़ने वाले जो संस्कार हैं या जो प्रभाव वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज श्लोक संख्या 38 से लेकर 45 तक हम लोगों ने महर्षि पतंजलि के प्रथम पाद के समाधि पाद के 38 से लेकर 45वें सूत्र तक हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया है। अभी तक हमने 1 से लेकर 45 तक कुल 45 सूत्रों तक पढ़ लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, तो अगले लेक्चर में ये पहला पाद या पहला अध्याय पतंजलि योग सूत्र का हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद, आशा है आज आपको ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम इस पहले पाद को, पहले अध्याय को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद है।